वेलकम का कारवा अपने बीच स्थान पे पहुंच चुका है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं कि वो कौन सी चार टीमें हैं जो कि इजीली क्वालिफाई कर सकती हैं और वो कौन सी टीमें हैं जिनके अब क्वालिफाई करने के आसार बहुत कम रह गए हैं। फुल डिटेल वीडियो है, एंड तक हम आपको बताएंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करें पॉइंट्स टेबल पे, तो पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे जिस टीम का नाम है उसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड पहले नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे काबिज है, और इंग्लैंड की बात करें तो 5 मुकाबलों में 4 जीते हैं, 1 हारे हैं और इनके पॉइंट्स 8 है और नेट 100+1.8 का है, यानी कि बहुत ही अच्छा इनका नेट रन रेट है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम है कि जो इजीली क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि इनके बचे हुए 4 मुकाबलों में इन्हें सिर्फ 2 मुकाबले जीतने हैं, और ये अगर 2 मुकाबले अपने जीत लेते हैं तो ये इजीली क्वालिफाई कर लेंगे और इन्हें क्वालिफाई करने से इस समय कोई नहीं रोक सकता। हम बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे पिछले साल की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं, 1 हारे हैं, 8 का पॉइंट है इनका और +0.8 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड जैसा ही इनका हाल है, लेकिन नेट रन रेट में थोड़ा सा फर्क है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को भी वही इंग्लैंड वाला काम करना है, इन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने हैं और ये भी इजिली क्वालिफाई कर लेंगे अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो। हम बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे जिस टीम का नाम है उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो 4 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 भी नहीं हारे हैं और 7 इनका पॉइंट्स है। अगर हम बात करें इनके नेट रन रेट की, तो 2+2.1 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि इनका नेट रन रेट बहुत ही बेहतरीन है। अब इन्हें बचे हुए अपने 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने हैं और अगर ये 2 मुकाबले ये जीत लेते हैं तो ये इजिली क्वालिफाई कर लेंगे, इन्हें हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन से ये मैच जीते हुए आ रहे हैं। हम बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे जिस टीम का नाम है उसका नाम है इंडिया। इंडिया ने अपने 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं, 1 भी नहीं हारे हैं, 7 का पॉइंट है इनका और +1.02 का इनका नेट रन रेट है, यानी इनका भी नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है। अब इन्हें भी अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने हैं और ये भी इजिली क्वालिफाई कर लेंगे और इंडिया को भी इस समय हटाने वाला कोई नहीं है अगर पॉइंट्स के बल पे बात करें, और इन्हें क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये 4 टीमें मुझे ऐसे लगती हैं कि ये क्वालिफाई कर सकती हैं इजिली। और अगर नंबर 5 पे बात करें, तो नंबर 5 पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश अभी तक 5 मुकाबले खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, 5 का इनका पॉइंट है और -0.2 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि इनका नेट रन रेट बहुत ही खराब है। अगर इन्हें मैच जीतने हैं तो बड़े बड़े मार्जिन से अपने सभी मुकाबले जीतने होंगे और इन्हें 5 अगर बात करें तो 4 में से 4 मुकाबले बांग्लादेश जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तभी इनका कुछ हो सकता है, नहीं तो ये तो बाहर है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अपने 5 खेले गए मुकाबलों में 1 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं और उसके अगर बात करें तो इनका पॉइंट 4 का है और -1.7 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि अगर हम बात करें श्रीलंका के, तो श्रीलंका का ऐसा लगता है कि इनका कैंपेन खत्म हो चुका है और इन्हें पहुंचने का अभी कोई चांस नहीं बचा है। अब हम बात कर ले वेस्टइंडीज की, तो वेस्टइंडीज का भी वही श्रीलंका जैसा हाल है। 5 मुकाबले खेले, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 इनका पॉइंट्स है और -1.7 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि ये भी उसी हाल में है। और अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज के भी पहुंचने के आसार बहुत ही कम हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वेस्टइंडीज अब क्वालिफाई कर सकती है। और हम बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, 1 जीते हैं, 3 हारे हैं, 3 का इनका पॉइंट है और -0.2 का इनका नेट रन रेट है। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम थी कि जिसे सबको लगता था कि ये पहुंच सकती है टॉप 4 में, लेकिन इस समय जैसा उनका हाल है कोई भी नहीं कह सकता कि अभी साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई करने से बहुत दूर रह जाएगी। और हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 5 मुकाबले खेले, 1 जीते हैं और उसमें से 3 मुकाबले हारे हैं और इनका नेट रन रेट 3 का, मतलब ये का पॉइंट 3 का है और इनके नेट रन रेट की बात करें तो -1.9 का इनका नेट रन रेट है, यानी कि पाकिस्तान के भी जीत के लाले पड़े हुए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता है। हम बात करें लास्ट एंड द लास्ट टीम की, तो अफगानिस्तान ने 5 मुकाबले खेले हैं, 5
पांचों हारे हैं और अफगानिस्तान के अब सभी रास्ते बंद हो चुके हैं अगर क्वालिफाई की बात करें तो। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जो चार टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं उनका पहला नाम है इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथी ऐसी टीम लगती है मुझे कि इंडिया ये मैच ये क्वालिफाई कर सकती है पॉइंट टेबल पे। और ये मुझे चार टीमें लगती है जो कि क्वालिफाई करेंगी और इनके बीच में सेमीफाइनल्स हो सकता है। तो ये ऐसा था मेरा पॉइंट टेबल का एनालिसिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया हो तो। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वेलकम न्यूज।